वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे इंफॉर्मेशन या सूचना या कह लो कि बच्चों वीडियो बना के लाया हूं और निश्चित तौर पे आपको बच्चों वो पसंद आएगा। वो है टॉपिक आपका एम्बेडेड सिस्टम। ये एम्बेडेड सिस्टम आप कह सकते हैं आज आपके इर्द गिर्द जितनी डिवाइसेस, जितने कंपोनेंट आप देख रहे हैं घर में, बाहर में, ऑफिस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, आप जिनका यूज कर रहे हो ना मेरे बच्चों, वो ये बगैर एम्बेडेड सिस्टम के संभव नहीं है। याद रखना, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज लगभग हर उस डिवाइस में काम कर रही है जो ऑटोमेटिक है। किसी भी वो डिवाइस में जिसमें ऑटोमेशन का शब्द जुड़ा है, जहां ऑटोमेटिव नाम की चीजें हैं, वहां पर बच्चों एम्बेडेड सिस्टम चमत्कारिक रूप से कार्य कर रहा है और एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं जानते, या जानते हैं तो उसको और बेहतर बना सकते हैं। क्या है एम्बेडेड सिस्टम? तो आप कह सकते हो बच्चों कि एम्बेडेड सिस्टम्स इज द, ये बच्चों कॉम्बिनेशन होता है। एन एम्बेडेड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये कॉम्बिनेशन यानी मिश्रण होता है बच्चों किसका? हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। इतनी बात दिमाग में बैठा लीजिए कि बच्चों एम्बेडेड सिस्टम कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। और आगे इसके बारे में खास बात, इट इज डेडिकेटेड टू डिजाइन फॉर एनी स्पेसिफिक डिवाइस। जो बच्चों किसी विशेष स्पेसिफिक डिवाइस के लिए क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, या मेरे बच्चों इसको डिजाइन किया जाता है। क्या है एम्बेडेड सिस्टम? एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा अरेंजमेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डेडिकेटेड है। और इसमें एम्बेडेड का मतलब बच्चों होता है धंसा होना, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, इसको डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। किसमें? उस डिवाइस में जिसको आप ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं, जिसको आप नियंत्रित करना चाहते हैं, जिसको आप अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं। और आज के समय में लगभग हर डिवाइस बच्चों, आज के समय में लगभग हर डिवाइस आपकी एम्बेडेड सिस्टम से युक्त है। वो अलग बात है कि आपको नहीं पता चलता या आपको बच्चों जानकारी नहीं मिल पाती। और याद रखिएगा बच्चों, जो एम्बेडेड सिस्टम होता है ये आपका क्या होता है? पहली चीज, ये आपका प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल शब्द का मतलब यही है कि यूजर कैन डिजाइन अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिक नीड, कि यूजर भैया इसको अपनी अपनी विशेष आवश्यकताओं के हिसाब से क्या करता है, निर्मित करता है, बनाता है, या बोला जाए तो बच्चों डिजाइन करता है। आप सोच रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि इस तरह की चीज कहां पे यूज होती है। एक एग्जांपल से बच्चों आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है, LG नाम आपने सुना होगा, वो बच्चों AC एयर कंडीशन बनाती है, गर्मी आ रही है। आप जानते होंगे बच्चों AC के वो वेरियस मॉडल्स बनाती है, अलग अलग प्रकार के मॉडल्स बनते हैं, अलग अलग तरीके से उनके अंदर फीचर्स होते हैं। लेकिन बच्चों हर AC के मॉडल में जो एक ही कंपनी LG ने बनाया है,
फीचर्स सब में अलग अलग होते हैं और उन्हीं फीचर्स के हिसाब से बच्चों दाम निर्धारित होता है, उनकी प्राइस निर्धारित होती है। कम फीचर वाला सस्ता है, ज्यादा फीचर वाला महंगा है। आज तो आप जानते हो मेरे डियर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों की स्टूडेंट्स कि आपके प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है वो आप उसके फीचर पे डिपेंड करता है। जो मोबाइल जितने ज्यादा फीचर्स देगा, जो कार जितने ज्यादा फीचर्स देगी, जो एसी, जो फ्रिज जितने तरह के फंक्शंस लेके, कुछ तो पेटेंट तक करा डालते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज डाल के। ये क्या है, ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मॉडल्स हैं, इनमें जो फीचर्स डाले जा रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिक फीचर्स हैं और ये ऑटोमेटिक फीचर्स एम्बेडेड सिस्टम की मदद से डाले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है। और याद रखिएगा, एम्बेडेड सिस्टम की खासियत, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स, नंबर वन, इट इज डेडिकेटेड फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क। नंबर दो, इट इज सिक्योर। नंबर तीन, इट इज स्टेबल। नंबर चार, इट इज रिलायबल। नंबर पांच, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये क्या इसका फीचर है? फीचर नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी जरूर है। साहब, एम्बेडेड सिस्टम जो आपकी डिवाइस में, आपके प्रोडक्ट में होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, उसकी कुछ खास बातें आपको पता होनी चाहिए। यह किसी एक ही कार्य के लिए असाइन किया जाता है, यानी अगर किसी एम्बेडेड सिस्टम का निर्माण आपने एसी के लिए किया है, एसी के किसी मॉडल के लिए किया है, तो वो सिर्फ उसी मॉडल पर वर्क करेगा। आप उसका उपयोग किसी दूसरे पर परफॉर्म नहीं कर सकते। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके डिवाइस का अगर रिमोट खराब हो जाता है बच्चों, अगर डिवाइस का रिमोट गड़बड़ हो जाता है तो आपका डिवाइस प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है वो उसी एम्बेडेड सिस्टम को चलाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आपका रिमोट खराब होगा तो साहब, एग्जैक्ट रिमोट जो हर तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग करता होगा वो तुम्हें कंपनी ही दे सकती है। ओपन मार्केट में आपको डमी रिमोट मिल जाएंगे। आप कहेंगे आपके साहब मिलते हैं रिमोट, मैं कहूंगा जी हाँ मिलते हैं, लेकिन वो सारे फीचर्स को सपोर्ट करेंगे? इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, मे बी शायद मुश्किल है। तो आशा करते हैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। दूसरी खास बात, एम्बेडेड सिस्टम सिक्योर होता है। क्यों? कोई भी एक्सटर्नल व्यक्ति, प्रोग्रामर, दूसरी कंपनी का बंदा किसी कंपनी के प्रोडक्ट में गड़बड़ी नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो कोडेड फॉर्म में लिख कर, बना कर, सील पैक करके आपकी डिवाइस में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी आदमी से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती ना, ये संभव है कि उस प्रोग्राम में किसी प्रकार का अल्टरेशन या परिवर्तन या बदलाव बच्चों करे, नहीं संभव है, याद रखिएगा। तीसरी खास बात, स्टेबल है एम्बेडेड सिस्टम हर केस में बच्चों। एक बार सही से टेस्टिंग जांच हो गई, उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम स्थायी परिवर्तन नहीं देते। एम्बेडेड सिस्टम स्थायित्व तो देते हैं, मतलब कहने का क्या है, वो हर केस में अपना एक्यूरेट बिहेवियर करते हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हो बच्चों। इसीलिए तो आज दुनिया रिमोट कंट्रोल की दीवानी है। क्यों? क्योंकि एक बार सेटिंग हो गई तो आप बदल जाएंगे, रिमोट नहीं बदलेगा मेरे डियर। रिलायबल है, भरोसेमंद है, वही बातें हो गई। लेकिन इसकी एक कमी भी है बच्चों, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। क्या मतलब हो गया फ्लेक्सिबल नहीं है का मेरे बच्चों, कोई बताएगा? ये फ्लेक्सिबल नहीं है का मतलब क्या है?
कि आप यदि सोचें, आप कोशिश करें कि यार हमारे एक जरूरत के हिसाब से ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो ये फीचर अलाउड नहीं है। एम्बेडेड सिस्टम में जो कोडिंग है, जो एंट्री है, जो बनाया गया है, वो रीड ओनली मोड के लिए बनाया गया है। यूजर सिर्फ यूज कर सकता है, मेरे डियर बच्चों, इसको बदलाव नहीं कर सकता। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि यूआई, जिसको कुछ लोग कहते हैं यूजर इंटरफेस, किसका? ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो डियर, नॉर्मली आज जितनी मशीनें बन रही हैं, जितनी तरह की डिवाइसेस बन रही हैं, उसमें मैक्सिमम जो यूआई, यूजर इंटरफेस एम्बेडेड सिस्टम में यूज हो रहा है, वो आपका हो रहा है बच्चों जीयूआई, जिसको हम लोग कहते क्या हैं, ग्राफिकल यूजर एंटर फेस। क्या बोलते हैं माय डियर बच्चों, इसको हम लोग जीयूआई इंटरफेस का नाम देते हैं। व्हाई आई एम सेइंग इट इज जीयूआई, मैं क्यों इसको जीयूआई कह रहा हूं? आप भी रिमोट्स चला रहे होंगे, आप मुझे बताइए बच्चों कि क्या रिमोट्स में आपको जो प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट करते हैं, क्या वो दिखता है? उसका डायग्राम नजर आता है, उसको आप सेलेक्ट कर पाते हैं, आप डाउन कर पाते हैं, इजीली यूज कर पाते हैं? जीयूआई इंटरफेस जहां दिखाई दे, आप अप डाउन कर सके, सेलेक्ट कर सके, क्लिक कर सके, बैक हो सके, फॉरवर्ड हो सके, यानी वो जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस विंडोज जैसे आपको देता है, उसी इंटरफेस को जीयूआई कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न उठता है कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स जिनको हम एम्बेडेड सिस्टम में कवर करना चाहेंगे? तो देखिए, आज सबसे ज्यादा जिसका यूज हो रहा है जिस क्षेत्र में एम्बेडेड सिस्टम का, ऑटोमोबाइल्स। ये वो सेक्टर है जो बहुत ही चमत्कारिक रूप से इसका यूज कर रहा है बच्चों। दूसरा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सेक्टर शायद होगा मोबाइल फोन्स। तीसरा यूज किया जाने वाला जो सेक्टर होगा बच्चों, मेडिकल में मेडिकल इक्विपमेंट्स में आपकी इंडस्ट्रियल मशीन्स में। ये सब वो एरियाज हैं बच्चों, ये सब वो एरियाज हैं जहां पर आपका एम्बेडेड सिस्टम बहुत धड़ल्ले से, बहुत ज्यादा प्रकार से, या कहें बहुत ज्यादा हैवली यूज हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स, तुम्हारी कार।